Bhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. Rebondir का मतलब होता है जब तक आपको अपनी गोल में सफलता ना मिल जाए तब तक छोड़िएगा नहीं, लगे रहिए, डटे रहिए. To organize motivational seminar for school, college, university, private and government organization, corporates, political party and even for the TV channels, India and abroad, अपने सपनों को असलियत में बदलने का समय आ गया है. Let's work to give wings to your dreams and make success happen now. A journey to an exceptional future, a journey to prepare for success. So book now for the seminar. एक कहावत है इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है. इसलिए दोस्तों हौसला बनाए रखिए, लगे रहिए, डटे रहिए, बने रहिए, जीतेंगे और आपकी जीत होगी. परिवर्तन के लिए हर समय तैयार रहिए. परिवर्तन जीवन का एक नियम है और उसके लिए हर समय तैयार रहिए. एक मेरे दोस्त हाई स्कूल किए, इंटरमीडिएट किए, ग्रेजुएशन किए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नौकरी पकड़ लिया. अब उन्होंने सोचा कि जिंदगी में कुछ करें अलग. तो उन्होंने क्या किया जिंदगी में कुछ करें अलग, उन्होंने नोएडा स्टेडियम में, मैं नाम इंगित नहीं करूंगा, नोएडा स्टेडियम में बैडमिंटन सीखने लगे. अब उनको बैडमिंटन का धुन सवार. जब बैडमिंटन का धुन सवार हुआ तो ज्यादा से ज्यादा समय वो बैडमिंटन में व्यतीत करने लगे. इससे क्या हुआ, उनका परिवार डिस्टर्ब होने लगा, उनकी नौकरी डिस्टर्ब होने लगी. अब वो बैडमिंटन खेलने के लिए कभी नोएडा, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी मुंबई और इधर उधर जाने लगे. इससे क्या हुआ, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया. कई बार लोग किसी व्यवसायिक या निजी संबंध को सफल बनाने की कोशिश में बहुत वक्त लगाते थे, लेकिन अगर आप शून्य आधारित सोच का इस्तेमाल करें तो ज़्यादातर मामलों में सही समाधान अक्सर यही होता है कि संबंध को पूरी तरह खत्म किया जाता है और यही चीज़ आपको धीरे 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 तनाव को आपको बढ़ा देती है. तो आपको ये सोचना पड़ेगा क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं पैसा कमा पा रहा हूँ. अपने चारों तरफ नजर डालकर ऐसे लोगों को पहचाने जो इतना पैसा कमा रहे हैं, जितना कमाना चाहते हैं. क्या वे आपसे अलग ढंग से काम कर रहे हैं, आपके अलग तरीके से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं कि वो सफल हो जा रहे हैं, आप क्यों नहीं सफल हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है. 24 घंटे का रूटीन अपना चेक करिए. उन्होंने ऐसी कौन सी खासियत है, कौन सी कुशलता है जो उन्होंने विकसित किया और सफलता प्राप्त की है. थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया. जीवन में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, यह अनोखा अवसर इतिहास का हिस्सा अपने साथ ले जाने की प्रतीक्षा और प्रगति में है. इतिहास का हिस्सा बनकर समाज और विश्व को नई चेतना दे. मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को शत शत नमन. इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नेशन बिल्डिंग मिशन है. अगर आपको लगता है आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन और हार्डवर्क पर बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि जो समाज, देश और विश्व के लिए एक प्रेरणा बने, जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल सके और समाज, देश और विश्व के लिए एक मिसाल बने, तो प्लीज़ दिए हुए नंबर पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और टॉपिक और एक मिनट स्पीच बोलकर और रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें. अपना नाम, अपनी ख्याति और अपने आप को विश्व के पटल पर दिखाने का समय आ गया है. यह अच्छाइयों, सच्चाइयों का प्लेटफॉर्म है. आपकी आवाज़ देश की आवाज़ है और आपकी ताकत देश की ताकत है. शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड. आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल. विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया, God bless the whole world.